वेलकम, माई नेम इज़ अली। हम यहाँ पे अब इसका रैपर बनाएंगे। आफ्टर टैग, कौन से टैग के बाद, नेविगेशन के टैग के बाद इसको मैं रैपर का नाम देता हूँ, क्योंकि जब आप पापड़ खोलते हैं वो भी एक रैपर में बंद होते हैं, तो इसलिए अभी अपना सारा डेटा इसी में डालूँगा। ओके प्रेस करता हूँ एंड देन गो टू बॉक्स। बॉक्स में मैं 900, जैसे कि मैंने हमारी वेट जो कॉन्स्टेंट है, और हाइट जो है तकरीबन मैं इसको 1000 पिक्सल्स दूंगा इस बार। और बैकग्राउंड में कुछ मैं अच्छा सा कलर चूज़ करता हूँ, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। वैसे एक ट्राई करके देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बेस्ट रहेगा। रिपीट एक्स एक्सिस का मतलब ये देखें, इतना खास हाइट इसकी जो है। अब यहाँ पे एक्सप्लोरर पे देखते हैं, ओप्स, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑटो नहीं दिया। और एक और बात जो है, मैंने इसको रिपीट एक्स एक्सिस करवा लिया है, रिपीट एक्स एक्सिस नहीं करवाना, क्योंकि जब आप रिपीट एक्स एक्सिस करवाएंगे तो ये जो इसका जो है ना, इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। सो उतने आपको इमेज का भी ख्याल रखना होता है। अब देखें, अगर ख़ास में देखा, अगर गौर से देखा जाए तो ये तो एक रंग ही लग रहा है, तो बजाय इसका कि हम रंग लगा के उसको थोड़ा सा हैवी कर दें, हम उसको यही रंग दे देते हैं, ये देखें। लेकिन ये यहाँ से चेंजिंग हो रहा है, ज़रा ये ट्राई करके देखते हैं और इसको ख़त्म करके देखते हैं। मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर हम तस्वीर को ख़त्म कर दें, क्योंकि कलर हमने चूज़ कर दिया है वही। सो आप ट्राई करते हैं, देखते हैं आप कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट। लेकिन इससे और इसके मुकाबले में थोड़ी इतनी ज़बरदस्त नहीं लग रही, लेकिन इसका थोड़ा कम कलर है, उसका थोड़ा ज़्यादा है। सो मैं आपको कलर ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखेंगे वेबसाइट हैवी नहीं होती इससे। अब आते हैं नीचे, अब इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं। सो पहले इसको मुझे इस तरह करना पड़ेगा। अब आफ्टर टैग फुटर का, जहाँ पे हम अपना कॉपीराइट वगैरह मामला शामला जो भी है वो लिखते हैं। विड्थ इसको मैं 900 ही दूंगा, हाइट में इसको दे देता हूँ 50, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, और इसकी बैकग्राउंड में दे देता हूँ थोड़ी सी ब्लैक। लेकिन ब्लैक इतनी मज़े की नहीं लग रही, बजाय इसका कि मैं इसको कुछ पिक्चर ही दे दूँ, ये ज़रा दे के देखता हूँ, नहीं ये भी नहीं इतनी ज़बरदस्त, ये ज़रा देख के देखता हूँ ये भी नहीं इतनी ज़बरदस्त, बजाय इसका कि मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ और इसको एडिट कर देता हूँ। सो ये देखें कि आई थिंक ये बेस्ट लग रही है मुझे। रिफ्रेश अगेन। सो ये देखें और इसमें देखें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। सो इसको मुझे इधर करना पड़ेगा ताकि मैं इस बिल्कुल हूबहू इसी तरह का कोई कलर इसको दे दूँ। सो ये लेकिन ये एक पिक्चर है, अगर आप गौर से देखें, क्योंकि कलर बार बार चेंज हो रहे थे। सो फुटर पे जाना पड़ेगा दोबारा, बैकग्राउंड पे कलर हमें ये वाला बैकग्राउंड चैनल करना पड़ेगा। सो इसको डिलीट कर देते हैं, रिपीट करवाते हैं एक्स एक्सिस पे, और आप देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आया है। सेव करता हूँ, ये देखें और ये देखें, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा है। देखें यहाँ से ये कर्व नहीं है, यहाँ से ये कर्व है। सो कलर तो अभी हमारा मैच कर गया। सो कर्व हमने लगा है, कर्व के लिए वही फुटर पे क्लिक करें जो है, इस जगह पे आ जाएं। HTML5 में ये कैटेगरी आती है, बॉर्डर रेडियस, टॉप बॉटम, सॉरी बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से हमें 5-5 देना पड़ेगा। बॉटम नीचे वाला हिस्सा, राइट दायां लेफ्ट बायां। सेव ऑल, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दोबारा देखते हैं। जी अब आ गया है थोड़ा सा, 50 से थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं। सो 60 कर देते हैं, और मार्जिन थोड़ा सा बॉटम से 20 कर देते हैं, ताकि साइट का स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त आ जाए। यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने इसलिए 30 किया क्योंकि साइट हमारी फुल आएगी। अगर और आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल 50 में कर देता हूँ, 50 आई थिंक इट्स मच। अभी ये देखिए, लेकिन फिर आपको ऊपर से भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो आई थिंक 50 तो इतना ज़बरदस्त नहीं है, सॉरी 30 बेस्ट रहेगा। अप्लाई करते हैं, ओके, फाइल सेव ऑल, एक्सप्लोरर भी देखते हैं, फिर भी नहीं इतना आ रहा, आई थिंक 20 ही बेस्ट था। तो ये आपको बार बार चेक करना पड़ता है ना, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, ताकि टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। ये ना हो, मैंने आपको एक वीडियो सजेस्ट की थी यूट्यूब पे, उसमें वो डॉक्टर अल्ताफ खान बताते होते हैं कि टेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्टिंग। सो ये देखें, हमारा ये कुछ इस तरह का बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैक में भी टेक्स्ट, सॉरी, अब मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, अब मैं एक ये वाला मेन्यू बनाता हूँ, ये कैसे बनता है। सो गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आफ्टर स्टार्ट ऑफ टैग, आफ्टर स्टार्ट ऑफ टैग किस में, रैपर के अंदर हमने एक बॉक्स बनाना है, इसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट box, लेफ्ट बॉक्स क्रिएटिंग न्यू CSS रूल, ओके, बॉक्स का मैं इसको दे देता हूँ 300 width होनी चाहिए, हाइट इसकी होनी चाहिए 1000, और फ्लोट में इसको करना चाहता हूँ राइट की तरफ, अप्लाई करता हूँ, ओके, एंड देन ये देखें यहाँ पे बन गया। सो इससे आगे वाली वीडियो में हम इससे आगे बनाएंगे, सो कीप इन टच एंड टिल वी मीट अगेन।